अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, पीके 24 जॉब की तरफ से मैं इस्माइल अब्बास। दोस्तों, अखबार इश्तिहार स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया, आप लोग देख सकते हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेप्रा के अंदर दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त जॉब की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, तमाम तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी से अप्लाई करने के तरीकेकार क्या, आप लोगों ने अप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, तमाम तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों ने वीडियो को फॉलो आज करना, ज़रा से भी स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों को मुकम्मल समझ आ जाए। याद रखें दोस्तों, शॉर्ट वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मकसद होता है कि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो, और इसके अलावा आप लोगों को जो जॉब्स आई हुई हैं उसकी तमाम तफसीलात की इंफॉर्मेशन भी मिल जाए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, बात की जाए अगर इसके अंदर कौन कौन सी वैकेंसी है, तो सबसे पहले नंबर पर सीनियर एडवाइज़र है, उसके बाद दोस्तों डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव है, डिस्पैच रीडर है, नैप का असिस्टेंट है। ये दोस्तों इसके अंदर वैकेंसी है जिनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों ने उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्रिएट करके और प्लेस ऑफ पोस्टिंग चेक कर लेनी है। दोस्तों, इसके अंदर फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी नीचे ये जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने खुद रीड कर लेनी है। अप्लाई करने के तरीकेकार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जॉब्स की तमाम तफसीलात आप लोग रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 23 जुलाई 2021 से, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं वही वैकेंसी है जो अखबार इश्तिहार के अंदर मौजूद है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं न्यूज़पेपर एड। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे अप्लाई करने के लिए, जो अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तमाम तर वैकेंसीज आ जाएंगे जिनके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं डिस्पैच रीडर के लिए अप्लाई करता हूँ तो इसके सामने ये जो व्यू का बटन आ रहा है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जो ही मैंने इसके सामने व्यू के बटन के ऊपर क्लिक किया तो सबसे पहले नंबर पर मैं एडवर्टाइजमेंट व्यू एड के ऊपर ये क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट व्यू कर सकता हूँ, और उसके बाद डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पर लिखा हुआ है उसके सामने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ इसे दोस्तों मैंने मुकम्मल फिल करना है, इसके साथ मैंने तमाम रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करने और दिए गए एड्रेस के ऊपर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचा देना है। दोस्तों आप लोगों ने फीस भी जमा करवानी होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये चलान फॉर्म दिए गए हैं, आप लोग अपनी जो फीस है वो अबीब बैंक के अंदर, उसके बाद दोस्तों अलफिला बैंक और अलाइड बैंक के अंदर, ये दोस्तों तीन बैंक दिए गए जिसके अंदर आप लोग अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। अगर आप लोग HBL के अंदर जमा करवाएंगे तो 150 रुपये, और अगर आप लोग एलाइट के अंदर जमा करवाएंगे तो 165, और बैंक अलफिला के अंदर भी आप लोग कराएंगे तो 150 रुपये आपकी फीस होगी। इसी तरह अगर आप लोग किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों ने उसके सामने व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना, आगे आप लोग न्यूज़पेपर एड भी डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी। अगर आप लोगों के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक दीजिए। इस महीने बाद को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।